अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने हमारे पिछले लेक्चर में 1.4 के सम सॉल्व किए थे। याद होगा आपको कि मैंने 1.4 में क्या कहा था, थोड़ा कोशिश करो याद करने की। देखो, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर भूल जाते हो तो मैं किस बुनियाद पे आगे चलूंगा। तो आगे चलने के लिए हमें पिछला याद होना ही चाहिए। और मैं जो दो दो तीन तीन सम करवा रहा हूं ना, वो मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप कम सीखो और ज्यादा दिनों तक उसको याद करके रखो। मैं दो दो घंटे के भी लेक्चर ले सकता हूं, लेकिन मैं अपना लेक्चर में सिर्फ दो ही तीन सम इसलिए करवाता हूं ताकि बच्चे को याद रहे कि हाँ, कि हमारे ऊपर लोड भी कम है और आसानी से काम भी होता है। आज हम फिर दो सम देखेंगे और हमारा 1.4 फिनिश हो जाएगा। 1.4 के बाद मैं आपको वो जो 1.2 है वो करवाऊंगा, हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। फिर अब देखते हैं, या तो मैं चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगा जिसमें हमको सिर्फ पहली ही एक्सरसाइज करनी है, या तो मैं चैप्टर नंबर 6 करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। वो डिपेंड करता है, सबकी बात बाद में करेंगे, आज फिलहाल समझ देखते हैं। मैं 1.4 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लेता हूं। 1.4 में कसरत से एक थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। मैं 1.4 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपने माइंड को रेडी कर रहा हूं कि 1.4 में होता क्या है। 1.4 में कसरत से ज्यादातर, या मैं कहूं हर सम में, एक थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कब इस्तेमाल होता है, या हम क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या देख लें जिससे हम फैसला कर लें कि हाँ, अब तो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना है, तो आप क्या कहोगे? आप मेरे इस सवाल का क्या जवाब दोगे? जवाब होगा कि जब दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होंगे तो हम अपने आप को कंफर्म कर लेते हैं, या हम श्योर हो जाते हैं कि हमको थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना है। आप देख सकते हैं, देखो यहां एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर मैं यहां पे मार्किंग करूं टू सिमिलर ट्रायंगल, दिख रहा है, तो जो मेरा दिमाग सोच रहा था ना कि अगर ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होंगे तो मैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करूंगा। देखो, टू सिमिलर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर, हाँ, मन बना लो कि हाँ, कहीं ना कहीं हमको थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उसमें से एक का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और दूसरे का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ द साइज ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, अगर आप एरिया देखो, एक का 225 है, एक का 81 है, तो अगर इसका एरिया बड़ा है मतलब ट्रायंगल भी बड़ा ही होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द साइज ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, छोटे वाले की एक साइड 12 है, तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल में एक साइड 12 की है, तो बड़े वाले का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, तो उस बड़े वाले की करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो मैं क्या सोचता हूं, आपको दूसरी तरह से सोचना है। मैं देख रहा हूं सबसे बड़ी चीज कि यहां पे डायग्राम नहीं है, और ना ही डायग्राम को लेके कोई नाम है। यहां पे डायग्राम भी मिसिंग है और नाम भी मिसिंग है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? जब डायग्राम भी ना हो, जब कोई नाम भी ना दे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम अजम्पशन करते हैं, है ना। मैंने कहा था आपसे, जब डायग्राम मैं बनाऊं, जब नाम मैं दूं, वैसे केस में हम क्या करते हैं? अजम्पशन। तो वही, तो मैं सबसे बड़ा फॉल्ट ये देख रहा हूं कि डायग्राम नहीं है, डायग्राम बना लेते हैं। मैं थोड़ा दूर में लिख रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल, एक बड़ा, इसका एरिया कितना, 225
और छोटा इसका एरिया कितना है, एक डी वन। सही सही। तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो बड़ा है उसका एरिया 225। एरिया समझता, एरिया एरिया मतलब ये अंदर वाली चीज। सही। तो जो 225 है वो मैंने बड़े ट्राइंगल को दिया और जो 81 है वो मैंने छोटे ट्राइंगल को दिया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल इज 12, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं एक साइड 12 को मान लू, ट्राइंगल के पास तीन साइड होगी तो मुझे सबको 12 नहीं मानना, मुझे इस छोटे वाले ट्राइंगल का कोई एक साइड को 12 मानना है। तो इफ अ साइड ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल में पहली साइड को 12 मान रहा हूं, सुन रहे हो, जरा ध्यान दो ध्यान दो, अगर मैं इस ट्राइंगल में पहली साइड को 12 मान रहा हूं तो इसके अंदर इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अगर यहां पे पहले वाले का जिक्र हो रहा है तो यहां भी पहले वाले को ही फाइंड करना होगा। सही। इसका पहला तो इसका भी पहला, इसका पहला दिया हुआ है साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, इसका पहला दिया हुआ है और इसका पहला फाइंड करना है। तो यहां पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि पहला दिया है पहला फाइंड करो, सिर्फ क्या बोला है एक साइड दिया है, तो जो एक साइड दिया है ना मैंने बोला पहली साइड को दे दो, तो ये फर्स्ट इसको 12 दे दिया। अगर ये कह रहा हूं कि यहां पे पहला दिया हुआ है तो यहां पे पहला फाइंड करना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग इसका पहला तो इसका भी पहला। सही सही सही। अगर 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 ऐसा होता कि मैं 12 इसको दे दू, अगर ऐसा होता कि मैं 12 इसको दे दूं तो मुझे फाइंड करना ये होता, अब मैं इसको नहीं फाइंड करता। तो अगर यहां पे मैं सेकेंड साइड में जीवन दिखा रहा हूं तो सेकेंड का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेकेंड ये दिया होता और मैं ये फाइंड किया होता। अगर मैं क्वेश्चन का दिया हुआ 12 इसे दे दूं तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होता, ये होता। सही। तो पहले के सामने पहला आना चाहिए, दूसरे के सामने दूसरा आना चाहिए, तीसरे के सामने तीसरा आना चाहिए। अगर मुझे इस ट्राइंगल में तीसरी साइड दिया है तो मैं इस ट्राइंगल में तीसरी साइड को फाइंड नहीं करता, इस ट्राइंगल में तीसरी साइड को मैं फाइंड नहीं करता। सही। तो सब करस्पॉन्डिंग का खेल है, पहले के सामने पहला आना चाहिए, दूसरे के सामने दूसरा आना चाहिए, तीसरे के सामने तीसरा आना चाहिए। फिलहाल मैं ये मान चल रहा हूं कि इस छोटे वाले का पहला साइड 12 है तो इस बड़े वाले का पहला साइड फाइंड करना पड़ेगा। सुने, इस छोटे वाले का पहला साइड 12 है तो मुझे इस बड़े वाले का पहला साइड फाइंड करना होगा। ठीक। हमारे ऊपर ऑप्शन है, अगर मैं दूसरे साइड को 12 देता, अगर मैं छोटे ट्राइंगल के दूसरे साइड को 12 देता तो मुझे बड़े ट्राइंगल के दूसरे साइड को फाइंड करना होगा। अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल के तीसरे साइड को 12 देता तो मुझे बड़े वाले ट्राइंगल के तीसरे साइड को फाइंड करना होगा। तो अगर आप छोटे में पहले को वैल्यू दे रहे हो तो बड़े में आपको पहली वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप छोटे में दूसरे वाले को वैल्यू दे रहे हो तो आपको बड़े में दूसरे वाले को फाइंड करना होता है, अगर आप छोटे में तीसरे वाले को वैल्यू दे रहे हो तो आपको पहले वाले में तीसरा फाइंड करना होता है। सही। तो पहला दिया है और पहला फाइंड करना है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। तो अब देखो, शायद आपको डायग्राम बनाने बाद चीजें और समझ में आना शुरू हो गई होगी। देखो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है ना, ये सिमिलर का सिंबल होता है। ठीक। ये क्या होता है, सिमिलर की निशानी होती है। दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, एक बड़ा है एक छोटा है, कैसे मालूम पड़ा, जाहिर सी बात है 225 बड़ा होगा, 81 छोटा होगा। उस दो में से जो छोटा ट्राइंगल है उसकी एक साइड 12 की है, फाइंड करना है बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर यहां पे मैंने एक साइड को 12 मान के चला हूं, मतलब वेरी फर्स्ट साइड को, तो यहां पे मुझको वेरी फर्स्ट साइड को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन समझ में आया,
क्वेश्चन समझ में आया? देखो सोल्यूशन तो आपको आ रही है, इतने दिन से आप 1.4 में डील कर रहे हो, सोल्यूशन तो आपको आ रही है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। दो ट्राइंगल है, एक बड़ा एक छोटा, बड़े का एरिया है 225, छोटे का एरिया है 81, छोटे की एक साइड दिया है, उस एक गिवन साइड को मैंने फर्स्ट साइड मान लिया, छोटे की एक साइड दिया है उस एक गिवन साइड को मैंने फर्स्ट साइड मान लिया। अब अगर मैं उस एक गिवन को एज अ फर्स्ट साइड कंसिडर कर रहा हूं तो फाइंड क्या करना होगा, बड़े में पहला वाला, अगर पहला दिया है तो पहला फाइंड करना होगा। चलो अब डायग्राम नहीं था, मैंने डायग्राम बना लिया, नाम भी तो देना होगा, ए बी सी पी क्यू आर, आपकी मर्जी, आपको जो अल्फाबेट अच्छा लगता है ना आप वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने एबीसी लिखा तो आप भी एबीसी ही लिखोगे, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पहले वाले को एबीसी दिए और दूसरे को एबीसी दिए, नहीं, अलग अलग नाम दे, ठीक है। चलो डायग्राम भी मैंने बनाया, नाम भी मैंने दिया, ऐसे केस में क्या होता है, सॉल्यूशन, आपकी जो लॉन्ग बुक होती है ना, लॉन्ग बुक, उसने आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, लेकिन हाँ एकदम टॉप में ना आपको डायग्राम बनाना होता है। मैं कुछ वजह से डायग्राम यहां नहीं बनाया, लेकिन आपको हमेशा सम के टॉप पे बनाना होता है, वो भी पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके, सुन रहे हो? तो ये जो आपकी लॉन्ग बुक का पेज है, आप वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखोगे, आप किसी भी सम में क्वेश्चन नहीं लिखोगे, लेकिन आप जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको डायग्राम के लिए छोड़ के रखोगे। तो आप स्टार्ट करना डायग्राम से, डायग्राम बन चुका है। चलो लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी टू सिमिलर ट्राइंगल, सही। मैंने और भी सम करवा चुका हूं जहां पे हम लोग अजम्पशन किया करते थे, बस उसी कंसेप्ट, मैंने कहा कि एक ट्राइंगल एबीसी नाम का है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर नाम का है, वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक। लेट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर बी टू सिमिलर ट्राइंगल, जिस दो ट्राइंगल को सिमिलर होने की बात कहा जा रहा था उसमें से एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर, ठीक ठीक। अब और भी दिखा सकते हो, ट्राइंगल एबीसी इज बिगर ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज स्मॉलर ट्राइंगल, therefore area of triangle PQR is 81 square centimeter। तो सिर्फ नाम मत दिखाओ, आप ये भी मेंशन करो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना, तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो ऐसा बताओ कि हाँ दो ट्राइंगल है जो आपस में सिमिलर है, इस दो में से पहला वाले का नाम एबीसी है, ये बड़ा है तो उसका एरिया मुझे पता है 225, इस नाम में से दूसरा वाला छोटा है और उसका एरिया है 81, तो मैंने क्या किया, मैंने नाम अज्यूम कर लिया और मैंने उसकी वैल्यूज भी दिखा दिया, ठीक। अब आगे चल के अगर हमको कोई मांगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा तो मैं कितना दूंगा, 225। अगर आगे चल के कोई हमसे मांगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना होगा तो मैं कितना दूंगा, 81। तो मैं मकसद समझ रहे हैं, मैं शुरुआत में ही उन चीजों को ढूंढ ले रहा हूं, या मैं उन चीजों को एड्रेस कर रहा हूं, या मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो मुझे आगे चल के लगने वाली है। चलो तो एरिया हाँ मैंने मेंशन कर दिया, ट्राइंगल के नाम हाँ मैंने मेंशन कर दिया, 225 का काम हो गया है, 81 का काम हो गया है। If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, अब
PQ is equal to 12 centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, जो छोटा ट्राइंगल है उसकी एक साइड 12 है. बोला हाँ, जो क्वेश्चन जिसे 12 कह रहा है मैं उसे PQ मान के चल रहा हूं, PQ 12 है. फाइंड द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, और जिसको फाइंड करना है वो है AB. समझा? अरे समझा, तो जो जो दिया था मैंने उसकी वैल्यू को उससे कनेक्ट कर दिया. क्वेश्चन ने बोला दो ट्राइंगल है, मैंने बोला हाँ एक एबीसी एक पीक्यूआर. क्वेश्चन ने बोला बड़े वाले का एरिया 225, मैं बोला हाँ उस बड़े वाले का नाम है ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 225. फिर उसने बोला छोटे वाले का एरिया 81, मैंने बोला हाँ छोटे वाले का नाम है पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर 81. फिर बोलता है जो छोटा वाला है उसकी साइड 12 है, हाँ छोटे वाले में पीक्यू की साइड 12 है, बड़े वाले में एक को फाइंड कर लो. हाँ अगर पीक्यू को दिया है, पहला दिया है तो पहला फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है. तो अब जाके पूरा मामला क्लियर हो गया. तो जो थोड़ा मेरा वो कंफ्यूजन था, जो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था कि फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, अब जाके पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है. ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है. ठीक, मैं 1.4 में डील कर रहा हूं. 1.4 की पहचान चमकता है 1.4 चमकता है. 1.4 की पहचान कि दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होते हैं. मैंने उसके बाद देखा कि क्वेश्चन में ना तो डायग्राम है ना तो नाम है, तो मैंने डायग्राम भी बनाया, मैंने अपने हिसाब से उसको नाम भी दिया, मैंने वैल्यूज भी दिया. जब डायग्राम भी मैं बनाऊं नाम भी मैं दूं, वैसे केस में क्या करता हूं, अजम्पशन, बिल्कुल अजम्पशन लिखना ही है आपको. आपको मेरे कराए हुए सम की नोट्स बनानी है, एक बुक बनाना है, डाइजेस्ट और मैं, या रिलायबल और मैं, या टारगेट और मैं, या आपकी स्कूल टीचर या मैं, हमारे मेथड सेम नहीं होंगे. ठीक, तो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे नोट्स बनाओ ताकि आपको साल के अंत में मेरा सिखाया हुआ सम मिले, है ना? तो लिखो, मेरे नोट्स मेंटेन करो. चलो खैर, अजम्पशन हो गया है, अब काम शुरू करें, जो चाहिए उसके लिए काम करना शुरू करें. चलो 1.4 कहीं ना कहीं थ्योरम का इस्तेमाल होता है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. इस थ्योरम को इस्तेमाल करने की शर्त क्या है, दो ट्रायंगल पहले सिमिलर होना चाहिए. सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किसने बोला, आप बोलोगे दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. याद करो मैंने क्या बोला था. अगर मैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज कर रहा हूं तो उस थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है, जो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो, मैं कहता हूं रेशियो लेकिन लिखता हूं प्रोपोर्शन में, सही. जो दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है उस दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होगा किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो फर्स्ट साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो सेकेंड साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर. वो मैंने लिखाया था, उसमें 8 लोग थे, कितने लोग थे, 8 लोग. फिर मैंने क्या बोला था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, या ऐसा कोई सम ही नहीं बना जिसके अंदर 8 लोग एक साथ आएंगे, है ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, या मैं कहूं ऐसा कोई सम ही नहीं बना जिसके अंदर 8 लोग एक साथ आएंगे, उस 8 में से 4 लोग आएंगे, है ना, हमेशा उस 8 में से 4 लोग आएंगे. ठीक, मेरे पिछले लेक्चर को सुन लिया करो और भूलो मत यार इतना जल्दी, अभी टाइम ही कितना हुआ है. ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, हाँ मैं थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं. थ्योरम के इस्तेमाल से मिलता क्या है, दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर,
तो अगर ऐसा मैं जोड़ू तो पूरे आठ लोग होते हैं, ये चार मत दिखा दो, उसको डबल कर लिया करो, आठ लोग होते हैं। क्या आठ लोग एक साथ हर जगह आते हैं? नहीं, उस आठ में से सिर्फ चार लोग आते हैं और उसमें से भी ये दो जगह पक्की होती है। यहाँ पे वो दो लोग आएंगे, या मैं कहूं यहाँ पे वो दो ट्राइंगल के एरिया आएंगे जो पहले से ही सिमिलर है ना, यहाँ पे वो दो ट्राइंगल के एरिया आएंगे जो पहले से ही सिमिलर है। और ये डिपेंड करता है, या तो यहाँ पे पहली करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी, या तो दूसरी या तो तीसरी, यहाँ पे आता कौन है, कौन आता है? तब बोलोगे जहां पे वो आएंगे जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। क्या बोलोगे? यहाँ पे वो आएंगे जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। और अगर आप देखो तो क्वेश्चन पहली साइड को लेके बात कर रहा है, यहां पे आएगा ए बी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। तो ये बहुत अहम चीज है, ये जो मैंने अब जो मैंने लिखा हो ना, ये काफी जरूरी चीज है, इसी पे अपना आंसर आना है। ठीक, बस अब क्या है, जो पता है वो पुट करो, जो मांगा है उसके लिए काम करके उसको अकेला करके अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, इसके आगे आपको आता है चलो शुरू करें, सब फिनिश करें। चलो, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 225। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 81। क्या मैं एबी जानता हूं? तो आप बोलोगे नहीं, वही तो अपने को फाइंड करना है। क्या मैं पीक्यू जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 12 और उसके ऊपर स्क्वायर। बस इन सब में से मुझे ए बी चाहिए, इन सब में से मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी दिखना चाहिए। चलो काम करते हैं। स्क्वायर शिफ्ट कर दो तो वो रूट बन जाएगा, दो सौ पच्चीस का रूट 15, 81 का रूट 9 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 12। ए बी चाहिए, ए बी अकेला होना चाहिए, नीचे वाला ऊपर, या मैं कहूं डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, सीधा कर दो, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 5 4 20। यहां पे कुछ यूनिट दिया है क्या? हाँ, सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। देखो जरा भी मुश्किल नहीं है, आपको ना एहसास होना चाहिए, एहसास कि हाँ ये 1.4 का सम है, हाँ इसमें थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल होगा। फिर आपको ये एहसास होना चाहिए कि इसमें डायग्राम नहीं है तो ऐसे केस में असम्पशन करते हैं। और एक और चीज उसको नोट करने का, डायग्राम नहीं है और नाम भी नहीं है तो हम असम्पशन करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्राम नहीं है लेकिन नाम दिया होता है, तो जब नाम दिया होता है तो हम असम्पशन नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम थी? यहां पे ना तो डायग्राम दिया हुआ था ना तो नाम दिया हुआ था, दोनों ही काम मैंने किया, तो ऐसे केस में अजम्पशन कंपलसरी होते हैं। ठीक, फिर वही अपना काम, ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ, थ्योरम यूज करो, वैल्यू पुट करो और ये अपना आंसर सही। फिर मेरा दिमाग सोचता है कि क्या रुक जाऊं, क्या सम खत्म हो गया? नहीं, पूरा क्वेश्चन जुमले में है, स्टेटमेंट में, तो मेरा सम भी एंड होगा स्टेटमेंट से। द करस्पॉन्डिंग, ऐसा बोला था ना, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर और ये आपका सम खत्म। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचूं, आप भी थोड़ी कोशिश करो,
वक्त पे वीडियो देखा करो, ये नहीं कि चार पांच दिन हो गया वीडियो देखे ही नहीं। और थोड़ा मेहनत करो यार, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म होने वाला है, आधा साल तो ऐसे ही बीत गया और आपने क्या पढ़ा। तो थोड़ी मेहनत करो, आपके घर वाले बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से। मैं जानता हूं कि कैसे पैसा कमाया जाता है। प्लीज यार प्लीज, अपने लिए ना सही, अपने घर वालों का चेहरा देखकर तो कम से कम पढ़ो। अभी आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, हमने एक शर्त डाल दी है कि जिनके 7,000 भरे होंगे वही टेस्ट देगा। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा ये शर्त डालने के लिए, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अब आपके पेरेंट देखना कहां कहां से खर्चा कम करके या मांग वांग के वो जरूर 7,000 भरेंगे या कुछ तो भरेंगे ही भरेंगे। किसके लिए? आपके लिए, कि हाँ मेरे बच्चे का टेस्ट होने वाला है, मेरे बच्चे का एग्जाम होने वाला है। तो कैसे आप नहीं पढ़ोगे? मुझे तो सोच के अजीब सा लगता है कि पेरेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बारिश में, धूप में, इसकी सुन के, उसकी सुन के, धक्का धागे, वो कहां कहां से या कहीं से भी पैसा लेके आ रहे हैं सिर्फ आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और आप क्या सिला दे रहे हैं ना? तो प्लीज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप अपने लर्निंग सब्जेक्ट या आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालो और नंबर अच्छे लाओ। तब हमको बहुत खुशी होगी जब आपके एक रिस्पेक्टफुल नंबर आएंगे। थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए ज्यादा पढ़ाई करो, अपने मां बाप का चेहरा देख लो, जरा भी शिकन नहीं होगी लेकिन वो अंदर अंदर बहुत परेशान होंगे। आज की तारीख पर सब परेशान है लेकिन आपके ऊपर उन्होंने आज भी नहीं आने दी। मोबाइल की बात हुई, मोबाइल दिला दिया गया। क्लास की फीस भरनी है, क्लास की फीस भर दी है। बुक की बात हुई, बुक दिला दी है। कपड़ा खाना सब तो मिल रहा है आपको। तो इन रिटर्न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सिर्फ पढ़ो ना यार, प्लीज मुझे अपना बड़ा भाई मानो और मेरी बात मानो। इस वक्त हम आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई है। अपने घर वालों को बेवकूफ मत बनाओ, इसका कोई रिटर्न नहीं है। फिर आप कुछ भी कर लो, अगर आप अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो तो इसका बदल कुछ नहीं है। पढ़ाई की तरफ अपना तवज्जा ले आओ और कसरत से पढ़ाई करो। नंबर चाहिए, आपके पास कितना दम है ना वो दिखाओ, नंबर चाहिए। मेरी बात इतना जो मैंने वीडियो कहा हूं ना उसको ना क्रॉप कर लो और मोबाइल में सेव कर लो, सुनते रहो सुनते रहो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब में आप वीडियो सेव कर लो, ऑफलाइन में देखा करो, दुनिया भर के तरीके हैं, है ना। मेरे वीडियोस ऑफलाइन सेव कर लिया करो और देखा करो, उसमें नेट भी नहीं लगता है। पढ़ने वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और नहीं पढ़ने वाला चाहे तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो पढ़ने वाला बनो यार, अपने आपका हुनर सामने लाओ, हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। इस एक्सरसाइज में एक और सम बचा हुआ है, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। 1.4 मेन क्वेश्चन 6 मैं ये सम करवाऊंगा, सम नंबर 6 और आपका 1.4 फिनिश। फिर जो 1.4 में जो सम बच जाते हैं ना वो सब कंप्लीट ऑफ हो जाएंगे, आप खुद से कर सकते हो, आप इतने बड़े हो चुके हो। 1.1 हो गया है, 1.3 हो गया है, 1.4 हो जाएगा आज। 1.2 मैं आपको इंशाल्लाह कल कवर करवा दूंगा। तो इसी ही के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 6 वो बाद में मालूम पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत रखो, मुझ पे विश्वास रखो। आप चिंता सोशल स्टडीज की लो, आप चिंता साइंस की लो, आप चिंता मराठी की लो, ठीक है। चलो समझे, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुने, अरे सुने, मैं जीवन में देख रहा हूं
दो ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। क्या जानते हो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, बताओ बताओ। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो तरह तरह के ट्राइंगल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिलहाल तो अपन सब पे बात नहीं करेंगे, अपन खाली एक पे बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके पास तीन साइड होती है, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि एक साइड कितने की, एक साइड की वैल्यू क्या होगी, तो वो मैं बता नहीं पाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि सामने कितना दिया। अगर एक साइड सात की है तो दूसरी भी सात की होगी और तीसरी भी सात की होगी, है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के देने पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके पास तीन साइड होती है, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि एक साइड कितने की, तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन बोले ना एक साइड 10 का, तो दूसरा भी 10 और तीसरा भी 10। अगर क्वेश्चन बोले ना एक साइड 20, दूसरा भी 20, तीसरा भी 20। ठीक, वही वही। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल के बारे में बात करूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों ही एंगल 60-60-60 के होते हैं। ठीक, अरे ठीक, समझ में आया। तो जहां साइड के बारे में मैं नहीं कह सकता कि एक साइड कितने की है, वहीं मैं एंगल के बारे में कह सकता हूं कि एक एंगल 60 का है। तो जो मैं जानता हूं ना, मैं उस पर बात करूंगा। देखना देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है ई क्यू आर। ये भी इक्विलेटरल इन नेचर है, ये भी इक्विलेटरल इन नेचर है। कहीं इनको सिमिलर दिया, ऐसा कुछ दिया है क्या, कैसा बोला है क्या, ये पहला वाला जो इक्विलेटरल इन नेचर है वो दूसरे वाले को सिमिलर है, ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया। देखो कहीं भी ना तो हमको सिमिलर करके शब्द सुनाई दे रहा है, ना हमको सिमिलर करके कोई निशानी दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि हाँ ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, हाँ ये भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका हर एंगल, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, हर एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। सही, अरे सही। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी साइड कितने की, तब बोलोगे नहीं पता, डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन इधर बोला कि एक साइड दो की, जैसे आप देखो, यहां देखो क्वेश्चन कहता है ए बी चार, तो अगर ये चार है तो ये भी चार और ये भी चार। अगर ए बी चार है तो बी सी भी चार होगा और ए सी भी चार होगा। फिर आप बोलोगे अगर ए बी चार है तो पी क्यू भी चार होगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये दो ट्राइंगल इक्विलेटरल इन नेचर है। ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट बोला है क्या, नहीं। अगर ये कॉन्ग्रेंट होते तो आप कह सकते कि हाँ ए बी चार है तो पी क्यू भी चार है। तो समझ में आ रहा है, काफी फर्क होता है। कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यू, और सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसा। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सर इक्विलेटरल है ये चार तो ये भी चार, तो मैं बोलूंगा नहीं, कॉन्ग्रेंट मतलब ये चार तो ये भी चार, है ना, ये इक्विलेटरल है। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना। वापस देखेंगे, वापस देखेंगे, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर नाम का, ये भी इक्विलेटरल इन नेचर है, ये भी इक्विलेटरल इन नेचर है। अगर ये इक्विलेटरल है तो इनकी साइड आपस में इक्वल होगी, इनकी साइड आपस में इक्वल होगी, जितना ए बी उतना बी सी उतना ए सी। इसकी कहानी अलग, इसकी अगर मैं बात करूं, जितना पी क्यू उतना क्यू आर उतना पी आर। फिलहाल यहां पर एक भी साइड नहीं दिया हुआ है। ठीक ठीक, फिर क्वेश्चन कहता है कि इनका जो एरिया का रेशियो है वो 1:2 है,
इनके जो एरिया का रेशियो 1:2 है, समझ सकता हूँ एरिया का रेशियो 1:2। हाँ, वो जो चार लोग आते ना, चार लोग देखो कौन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, चार लोग आते हैं तो उस चार में से पहले दो होते हैं, हाँ वो उसकी वैल्यू है। माइंड सोचना चाहिए कि गिवन में क्या दिया है और क्यों। गिवन में हर चीज काम की होती है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में इक्विलेटरल बोला तो मैंने हर एंगल 60 दिखा दिया, जब क्वेश्चन में एरिया का रेशियो दिया तो मैं सोच रहा हूं हाँ इससे मालूम पड़ रहा है कि थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करना है। अरे है कि नहीं, वो दो ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, ये थ्योरम याद है। तो ये थ्योरम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो चार लोग आते हैं, उस चार में से दो जो लोग होते हैं देखो ऐसे दो होते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं भी मुझे सिमिलर नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है। अगर मुझे क्वेश्चन में ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है तो 1.4 का सम है और मैं 1.4 में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल करता हूं। लेकिन यहां पे तो लोग सिमिलर ही नहीं दिख रहे हैं, तो देखो मैं कैसे समझोड़ रहा हूं। तो क्या हुआ, ट्राइंगल पहले से सिमिलर नहीं है लेकिन जिस हिसाब से गिवन फ्लो कर रहा है ना, जिस हिसाब से गिवन की जानकारी दी हुई है ना, उससे समझ में आ रहा है कि यहां पे थ्योरम इस्तेमाल होगा। सुने, अरे सुने, तो क्या हुआ, दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर नहीं दिया हुआ है लेकिन जिस हिसाब से हम गिवन पढ़ रहे हैं या जिस हिसाब से हमको गिवन दिया हुआ है उससे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि यहां पे थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज होगा। ठीक, अब ये कब इस्तेमाल होगा, एरिया दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, हाँ ऐसा कम 1.4 में पड़ता है। ठीक, और बात करेंगे बाद में। एक साइड चार की है, इस एबीसी में पहला दिया है तो इस डीईएफ में पहला फाइंड करना होगा, सही है। अरे सही है, अब सुनो मेरी बात सुनो। पहले ट्राइंगल का फर्स्ट साइड दिया है तो मुझे दूसरे ट्राइंगल का भी फर्स्ट साइड फाइंड करना है। तो जो गिवन है, जो मांगा गया है, उससे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हम थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से काम करेंगे। ये सब इस सम को साइड में रखो, और इससे पहले जो भी मैंने 1.4 के सम करवाया हूं उसमें क्या सिखाया, थ्योरम सिखाया हूं ना, उस थ्योरम को अपन कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो ट्राइंगल पहले से सिमिलर होता है। फिर मिलता क्या है, चार लोग, उस चार लोग में दो ट्राइंगल के एरिया होते हैं जो पहले से सिमिलर है, फिर वो करस्पॉन्डिंग साइड पहली साइड दूसरी साइड सही। उस आठ लोगों में से हम चार को लेके आते हैं और अपना काम करते हैं। तो जो हम चार लोग को लेके आएंगे ना, हम थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद हम जो चार लोग को लेके आएंगे, देखो उसमें से ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पे ट्राइंगल पहले से सिमिलर है ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है। यहां पे ट्राइंगल पहले से सिमिलर है ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और आगे चल के थ्योरम यूज कर लेंगे। तो फिर आप सोच लोगे सर इतना क्यों थ्योरम कर रहे हो। मैं इसलिए थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि इस सम में इसी ही थ्योरम पे काम होना है। अगर क्वेश्चन ने हिंट नहीं दिया है ना, क्वेश्चन ने ऐसा ट्राइंगल सिमिलर नहीं बोला है, लेकिन गिवन चेक करो, गिवन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हाँ उसी ही थ्योरम पे काम होना है। तो सुने अपना प्लान क्या है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल ने पहले से सिमिलर नहीं दिया है, हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेंगे, मैंने आपको 1.3 में सिखाया है ना। तो क्या हुआ, दो ट्राइंगल पहले से सिमिलर नहीं दिया हुआ है, हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेंगे, जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होगा मैं फटक से थ्योरम यूज करूंगा, चार लोग को लेके आऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे सामने मांगा हुआ आ जाएगा। प्लानिंग समझ में आई,
क्वेश्चन में साफ साफ ऐसा नहीं लिखा है कि ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, लेकिन अगर मैं और गिवन को चेक करूं तो मालूम पड़ रहा है कि इसमें काम थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से होगा। अब जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाता है मैं थ्योरम कैसे इस्तेमाल करूं? तो पहले मैं खुद से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लूंगा, बाद में थ्योरम यूज करके अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो स्टेप समझ में आ रहे हैं। मैं दो ट्रायंगल को चुनूंगा, उसको सिमिलर प्रूव करूंगा बाय AA टेस्ट से, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, थ्योरम यूज करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। दो ट्रायंगल चुन लेते हैं। आप लोग को तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने आता ही होगा। पहले उनके नाम ले आओ जिनको सिमिलर प्रूफ करना है। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तरह तरह के टेस्ट है, लेकिन जो सबसे छोटा और अच्छा है वो ये है कि हम दो ट्रायंगल के अंडर में दो एंगल की जोड़ी इक्वल दिखा देंगे, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय ए टेस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने अपना मूड बना लिया कि चलो पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। वो क्या तरीका होगा जिससे मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा? दो नाम लेके आऊंगा, उसके एंगल में दो एंगल इक्वल दिखाऊंगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ, फटक से थ्योरम अप्लाई करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, मांगने के लिए काम करूंगा, अपना आंसर आएगा। ठीक, चलो चलो, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप बोलोगे ए बी सी का ए और डी ई एफ का डी, ए बी सी का ए मतलब पहला वाला, डी ई एफ का डी मतलब पहला वाला, ये आपस में इक्वल है। कैसे? तो आप बोलोगे ईच ऑफ 60 डिग्री, सही है? अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके हर एंगल कितने के होंगे? 60। तो यहां पे ए 60 का है, यहां पे डी 60 का है। कैसे? क्योंकि ये ईच ऑफ 60 है। वैसे ही इसका बी और इसका ई, ये भी इक्वल। कैसे? आप क्या रीजन दोगे? ईच ऑफ 60 डिग्री। समझा? अरे समझा है ना? तो ये ए और ये बी कैसे इक्वल? क्योंकि दोनों साइड के हैं। ये बी और ये ई कैसे इक्वल? क्योंकि दोनों साइड के हैं। अब जो मैंने दो सिंगल सिंगल लेटर पढ़ के रखा हूं, उसको जरा तीन तीन पे कन्वर्ट करो। तो ए बी सी में से ए गया, बी सी, डी ई एफ में से बी गया, ई एफ, ए बी सी में से बी गया, ए सी, डी ई एफ में से ई गया, डी एफ। अब तो पहले सिंगल लेटर पढ़ने का और बाद में उसको तीन पे कन्वर्ट कर देने का। तो जो ट्रायंगल पहले से सिमिलर नहीं था, जिस वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैं थ्योरम और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करूं या ना करूं। अब देखो, मैंने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया ना, किया कि नहीं किया? है ना, मैंने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया कि नहीं किया? बस आगे काम आपको आता है। अब आप थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो। थ्योरम इस्तेमाल करने से आपको चार लोग आएंगे, पहले प्रूफ करना आपका आसान रहेगा, है ना। मैं थोड़ा सा समय में ब्रेक लेता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि वो क्या तरीका होगा जिससे मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ दिखा सकता हूं, तो आप बोलोगे जिनको सिमिलर प्रूफ करना है उनके नाम ले आओ। इधर एंड आएगा, पहले पहले में एंड आता है। उस दो ट्रायंगल के नाम के अंडर में दो एंगल को इक्वल दिखा दो, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। फिर कोई पूछे कि क्या ये ही एक लौटा तरीका है जिससे हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, ये एक लौटा तरीका नहीं, ये सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट तरीका है। अगर मैं चाहूं तो इस दो ट्रायंगल को ए ए टेस्ट से, ए ए ए टेस्ट से भी सिमिलर प्रूफ कर सकता था, लेकिन क्यों? जब दो एंगल दिखाने से कम में काम हो सकता है तो ज्यादा काम क्यों करना है? तो हम इंसान हैं, हम आसानी तलाश करते हैं और यह रहा हमारा आसान रास्ता। चलो देखो, इसको बोलता हूं तू बंद रख ले क्योंकि मैं आगे चलकर इस्तेमाल करूंगा। ठीक, चलो हम शुरू करें। Since triangle ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ऐसा किसने बोला? तो आप बोलोगे हमने साबित करके रखा है फ्रॉम वन। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो देयर फॉर बाई थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पूरा लिखने का डैश मारने का नहीं, देयर फॉर बाई थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल चार लोग आएंगे। थ्योरम कब इस्तेमाल होता है? जब दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर हो, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है? चार लोग आपस में इक्वल, इस चार में से भी दो जगह पक्की, यहां पे कौन आएगा उसका एरिया जो सिमिलर है, ये तो जगह पक्की हो गई। अब यहां पे या तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड, या तो सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड, या तो थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड। मैं अगर देखूं तो पहले का जिक्र हो रहा है, कहीं पे पहला दिया है, कहीं पे पहला मांगा है, तो यहां पे क्या आएगा? पहला ए बी स्क्वेयर डीबी स्क्वेयर। बस सॉल्व करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को हटा के क्या लिखोगे? वन अपॉन टू। मन में ऐसा ऐसा मन में सोच लेना, ये जो आली बाजू है वन अपॉइंट टू, ये जो आजू बाजू में है वन इज टू टू, अगर मैं इसको ऊपर से लिख दूं तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा ना, है ना। ये आजू बाजू में वन इज टू टू दिख रहा है, लेकिन ऊपर से मैं ऐसा लिखे है ना, तो इसके बदले वन अपॉइंट टू, और वो अंडरस्टूड होता है, ठीक, डायरेक्ट टेंशन लो मत। अगर कोई बच्चा सोचे ना सर ऐसा कैसा, ये तो ऊपर नीचे था, ये तो आजू बाजू है, तो आजू बाजू को ऊपर नीचे सपोर्ट कर दिए, अंडरस्टूड है, इतना टेंशन मत, ठीक। तो ये जो आजू बाजू था, ये जो रेशियो के फॉर्म में था, उसको अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूं तो वन इज टू वन अपॉन टू कहलाएगा, तो वो अंडरस्टूड है कि मैंने यहां से वैल्यू लिया। और क्या मैं ये भी जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, फोर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। क्या मैं डीई ध्यान में, तो आप लोगों नहीं, डीई तो अपने को चाहिए, बस क्या डी के लिए काम करते हैं। उसको यहां भेजो, किसको? स्क्वायर को, तो रूट बन जाएगा चार और ये डीई, वन का रूट वन, टू का रूट नहीं निकलता है तो उसके ऊपर रूट दिखेगा। अरे सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, सुन रहे हो, वन का रूट वन, दो का रूट नहीं निकलता है तो उसके ऊपर रूट दिखेगा। मुझे डी ई चाहिए, मैं इक्वेट कर दू, वन इंटू डी ई, डी ई फोर इंटू रूट टू, फोर रूट टू, है ना, वन इंटू डी ई डी ई, सही। वन किसी से भी मल्टीप्लाई हो आंसर वही आता है, जैसे वन इंटू अफान आंसर आएगा अफान, वन इंटू शाहिद आंसर आएगा शाहिद, वन इंटू रेहान आंसर आएगा रेहान, है ना, तो वन इंटू डी ई आंसर आएगा डी। अब फोर इंटू रूट टू, फोर रूट टू, क्या कहीं पे सेंटीमीटर मीटर दिया है? नहीं दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा यूनिट्स, और ये रही मेरी मानी हुई चीज। क्या मैं यहां पे स्टेटमेंट दूं? नहीं, स्टेटमेंट तब जब क्वेश्चन खुद स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, जहां तो मुझसे डी मांग रहा था और ये रहा डी, और मेरा सम खत्म, मेरा सम खत्म। समझ में आया आप लोगों को? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो ये 1.4 का सम था, या मैं कहूं ये 1.4 का वो सम था जहां पे ट्रायंगल पहले से सिमिलर नहीं दिया हुआ था, यहां पे अपने को इशारा ही नहीं किया हुआ था कि आप थ्योरम इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो गिवन था उस गिवन को ध्यान में रखते हुए, उस गिवन को समझते हुए यह समझ में आया कि नहीं, इसमें तो थ्योरम ही इस्तेमाल होना है। तो क्या हुआ? अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो मुझे जो ट्राइंगल पहले से सिमिलर नहीं दिया था ना, मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, और फिर जाके मैंने क्या यूज कर लिया? थ्योरम। तो ऐसा समझ के चलना कि हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ट्राइंगल सिमिलर देगा तो ही हम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिया होता है, हमको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना होता है, तो दोनों चीज सोच के चलो, ठीक। एकदम अंधा धुन फॉलो नहीं करोगे मामला, ठीक। ट्राइंगल सिमिलर दिया भी होता है
ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना भी होता है। तो फर्क याद करके रखना, तब मैथ्स अपने को अच्छे से आएगा। ठीक है, जिस दो ट्राइंगल की बात हो रही थी वो इक्विलेटरल इन नेचर है, इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी उसके हर एंगल 60 के होते हैं। इसके एरिया का रेशियो दिया था, एक साइड दी थी और ये साइड फाइंड करना है। देखते पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये जो सम है वो थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से सॉल्व होगा। मैं यहां पर लिखा हूं, इसकी शर्त दो ट्राइंगल पहले से सिमिलर होना चाहिए जो कि नहीं थे, तो मैंने इस तरीके से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ, मैंने थ्योरम अप्लाई किया, लोग मेरे वैल्यू पुट किया, मिला क्या आपके सम से। ये अपने आप में वो सम है जहां पर ट्राइंगल पहले से सिमिलर नहीं है, पहले से सिमिलर नहीं है इसके बावजूद मैंने थ्योरम अप्लाई किया। कैसे? जो ट्राइंगल पहले से सिमिलर नहीं है उसको सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद मैंने अपना काम किया। ठीक, तो ये हो गया अपना 1.4 फिनिश। मैं इसी के साथ अपना आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं। हम लोग कल इंशाल्लाह 1.2 फिनिश करेंगे। मैंने जो बात कहा हूं पढ़ाई के ताल्लुक से उसको ध्यान में रखो। चलो, अल्लाह।